जय हिंद। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ईद बहुत बहुत मुबारक। मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि आपको दुनिया की सब खुशियां दे, आपकी सेहत बहुत अच्छी रखे, आपको कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करने की हिम्मत दे, सो डैट जिस भी मिशन पर आप लगे हुए हो वो जल्द से जल्द पूरा हो, आपके सपने जल्द से जल्द पूरे हो। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इस साल का जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्रीलिम्स एग्जाम है उसके लिए कितने टाइम का करंट अफेयर्स हमें कवर करना है। आज का सेशन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा जो इस साल यूपीएससी एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, बल्कि हर उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो कभी भी इन फ्यूचर यूपीएससी का एग्जाम देने की सोच रहा है। बिकॉज हम कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें भी बीच में डिस्कस करेंगे जो कि आपको अपने माइंड में रखनी है जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, अर्लियर दिस ईयर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम वॉज शेड्यूल्ड फॉर 31st of May। उस केस में हर स्टूडेंट को क्लियर था कि मुझे मई 2019 ऑनवर्ड्स अपने करंट अफेयर्स कवर करने होंगे, बिकॉज हम प्रीलिम से एक साल पहले के करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं जब भी हम यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। बट अब ड्यू टू करंट सिनेरियो ये एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, अभी कोई फाइनल डेट भी अनाउंस नहीं हुई है। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर 20th May को एक प्रेस नोट रिलीज किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 5th June को उनके यहाँ एक मीटिंग होगी इन विच दे विल डिसाइड द रीशेड्यूल डेट्स फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस। उसके बाद वो अपनी वेबसाइट पर नई डेट्स को अनाउंस करेंगे। सो उससे पहले तो आपको किसी र्यूमर पे नहीं जाना है। कोई अगर ये क्लेम करता है कि ये डेट को एग्जाम होगा तो बिल्कुल वो बेसलेस बात है। जब तक यूपीएससी अनाउंस नहीं करता आपको उन बातों पर नहीं जाना है। अब कुछ बच्चों की मुझे बहुत ज्यादा क्वेरीज ये आ रही थी कि सर, अब क्योंकि एग्जाम डिले हो गया है, अभी ये भी नहीं पता है कौन सी फाइनल डेट होगी, बट उनको कंफ्यूजन ये हो रहा है कि अब हम कितने टाइम का करंट अफेयर प्रिपेयर करके जाएं। हम मई 2019 से लेके जब तक एग्जाम होगा तब तक का करंट अफेयर कवर करें, या फिर जिस टाइम एग्जाम होगा उससे एग्जैक्टली एक साल पहले का करंट अफेयर्स कवर करें। मैं आपको सच बताऊं तो आई एम रियली सरप्राइज्ड टू सी सच क्वेरीज। ऐसा क्यों है? बिकॉज अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, अगर एक यूपीएससी के लिए एक सीरियस कैंडिडेट हो, तो आपको ये पता है कि जब भी आप यूपीएससी के मैदान में कूदते हो तो जिस साल आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हो उससे एक साल पहले का करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना, अच्छे से स्टार्ट कर देना है, उसके नोट्स बनाने अच्छे से स्टार्ट कर देने हैं। और कब तक बनाने हैं? जब तक आप ये जंग जीत नहीं जाते या आप खुद ही गिव अप कर दो कि मुझे और ज्यादा इसमें अटेम्प्ट्स नहीं देने हैं, तब तक आपको करंट अफेयर्स अच्छे से थरोली कवर करते चले जाना है। बिकॉज प्रीलिम से पहले एक साल का तो अंडरस्टूड है, उसके बाद आपने मेंस का एग्जाम देना है तो उसमें भी करंट अफेयर्स, जो उसके बीच का गैप है प्रीलिम्स और मेंस के बीच का, वो भी कवर करना है। मेंस देने के बाद आपको फिर कवर करने हैं अपने करंट अफेयर्स, बिकॉज आपको इंटरव्यू भी फेस करना है, और बाय चांस आप इंटरव्यू में पास नहीं होते तो उसके बाद दोबारा आपको प्रीलिम्स देना है, तो पिछले एक साल का फिर करंट अफेयर्स आएगा। तो ये चेन तो चलती चली जाएगी। सो व्हेन यू डिसाइडेड टू अपीयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2020, तो आपने मई 2019 ऑनवर्ड्स अपने करंट अफेयर्स सीरियसली प्रिपेयर करने शुरू कर दिए। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है? अगर करंट अफेयर्स मई ऑनवर्ड्स आपके प्रिपेयर्ड हैं तो उनको रिवाइज करने में आपको दिक्कत क्या है? अगर कोई आपको बोलता है कि आपका एग्जाम अब जुलाई या अगस्त में होगा तो आप जुलाई अगस्त ऑनवर्ड्स ही अपने करंट अफेयर्स प्रिपेयर करो, तो क्या आपने जो मई से लेके जुलाई अगस्त के करंट अफेयर्स थे 2019 के उनको आप छोड़ दोगे? आपने प्रिपेयर तो कर रखे हैं, आपने नोट्स भी उसके रेडी कर रखे हैं, उनको आप थोड़ा सा रिवाइज भी नहीं करोगे? कितनी बड़ी बेवकूफी करके जाओगे। और अगर बाय चांस आपको कोई ये बोल दे कि नहीं नहीं पहले प्रीलिम्स का एग्जाम तो मई तक था तो तब तक के करंट अफेयर्स ही आएंगे, तो क्या अब आपने इस पीरियड के दौरान मई ऑनवर्ड्स न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया, अपने करंट अफेयर्स कवर करने छोड़ दिए? क्या आपने मेंस एग्जाम नहीं देना, आपने सिर्फ प्रीलिम्स का एग्जाम पास करना है? आपका एम सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम पास करना नहीं है, आपका एम है फाइनली एक सिविल सर्वेंट बनना। वो तभी फुलफिल होगा जब आप प्रीलिम्स से एक साल पहले का करंट अफेयर सीरियसली कवर करना शुरू करोगे, और तब तक कवर करते रहोगे जब तक आप ये जंग को जीत नहीं जाते। सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ टोटली बेसलेस डाउट। अगर आपके माइंड में डाउट या क्वेश्चन आ भी रहा है, देन यू नीड टू असेस योरसेल्फ, यू नीड टू असेस वेदर यू आर अ सीरियस कैंडिडेट फॉर यूपीएससी और नॉट। आप दिल से मेहनत कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो? बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में आपको भी कहीं ना कहीं ये पता है कि भलाई इसी में ही है कि मई 2019 ऑनवर्ड्स हम करंट अफेयर्स को अच्छे से थरोली कवर कर लें, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं मन की तसल्ली चाहते हो, कोई आपको ये बोल दे आके कि मई ऑनवर्ड्स मत करो, जिस महीने इस साल एग्जाम होगा उससे एक साल पहले ऑनवर्ड्स कर लो, या कोई आके आपको ये बोल दे क्योंकि एग्जाम पहले मई में शेड्यूल था तो मई तक के ही करंट अफेयर्स करो, कितनी बेसलेस बात है। अगर मई तक के करंट अफेयर्स ही आपको प्रीलिम्स के लिए कवर करने, तो उसके बाद आप मेंस की प्रिपरेशन छोड़ दोगे?
इस तरह के डाउट्स और क्वेश्चन लाके अपने ब्रेन की एनर्जी खराब मत करो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो। आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की होनी चाहिए, अगर आपको कोई कल कहे कि यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाना है तो आप रेडी हो, बिकॉज 31st में आपके लिए डेडलाइन थी जब आप पहले प्रिपरेशन कर रहे थे, आपका जो प्लान चल रहा था उसी हिसाब से चल रहा था, तो आपको बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़ना है, बिकॉज आपको नहीं पता कि प्रीलिम्स और मेंस का गैप कम हो जाए, कल आप ये सोचो कि उतना ही रहेगा, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है, वो सब यूपीएससी पे डिपेंड करता है। तो थंब रूल ये है यूपीएससी के लिए कि जिस दिन आप यूपीएससी के मैदान में कूद गए हो उससे एक साल पहले, मतलब प्रीलिम से एक साल पहले का करंट अफेयर्स आपको कवर करना शुरू कर देना है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक आप ये जंग को जीत नहीं जाते हो। ये एक थंब रूल है, इसको अपने माइंड में बिठा लो। सो फ्रेंड्स, अपना फोकस बिल्कुल भी खराब मत होने दो। अगर आपका मन अननेसेसरी इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने पुटअप कर रहा है तो आपको जस्ट डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो खुद कामचोर है और आपको भी कामचोर बनाने की कोशिश कर रहा है। सो उसको डांट के बैकफुट पर ले जाओ, उसको बिल्कुल भी हावी मत होने दो अपने ऊपर। और इसके अलावा अगर आपके खुद के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं बट बाहर से आपको कोई रिमर्स फैला के आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी बातों में बिल्कुल भी मत आओ। जो मैंने आपको थंब रूल बताया उसी को फॉलो करो, और इस टाइप की बेसलेस चीजों के एनालिसिस करने में आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। आपको अपनी एनर्जी प्रोडक्टिव चीजों में लगानी है, ऐसी चीजों में लगानी है जो आपको पे बैक करें, जो आपको अपनी प्रिपरेशन में फॉरवर्ड पुश करें। फिजिकल वर्कआउट में एनर्जी लगाओ सो डैट आप अपनी प्रिपरेशन पूरी एनर्जी के साथ कर सको, पूरे एंथुसियाज्म के साथ कर सको। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया है, और जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको भी ये थंब रूल फॉलो करना है कि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो उससे एक साल पहले के करंट अफेयर्स अच्छे से कवर करने हैं, और तब तक नहीं छोड़ने हैं जब तक आप अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर लेते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप नाउ योर माइंड इज क्रिस्टल क्लियर विद रिगार्ड टू द करंट अफेयर्स। सो कीप वर्किंग हार्ड, स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।